हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ। सुबह सुबह क्या यार, रोज़ की रूटीन है ये, तो रोज़ रोज़ क्या कहना पड़ता है। तो रेडी हो चुकी हूँ, वापस आ गया, रेडी हो चुकी हूँ। और ये मैंने मेरी ग्रीन टी बना कर रख दी है। और अभी ये चीकू जो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट यूज़ कर रहे हैं, बट विटामिन सी जो कि चीकू को बहुत अच्छे सूट होता है, उसके लिए फेस सीरम लेके आए हैं। और इनका फेस क्लेंजर ख़त्म हो गया था तो लेके आए हैं। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और अभी मैं मेरी ग्रीन टी इंजॉय करूँगी और मम्मी को पूछ लेती हूँ, इतने सब में दूध है, कौन सा दूध मैं गर्म रख करने के लिए रखूँ। ये हमारे मिट्टू का पिंजरा पैक कर दिया है, तो जतन कर रहे हैं कैसे निकालें। ये दोनों कड़ियाँ निकाल के ऊपर निकल के बैठ जाते थे। ग्रीन टी तो मैंने पी ली और ग्रीन टी तो मैंने पी ली है और ये एक तरफ से ये दूध उबल रहा है, क्योंकि बहुत सारा भैंस का दूध क्या हम लोग पीते नहीं है, सिर्फ वो दूध है ना चाय में वगैरह ही यूज़ होता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं लगता है हमारे घर पे ऐसा है। तो ये दूध अभी हमने तबड़ा दिया है और इसकी खीर बना देंगे, तो ये भी पीने में काम आ जाएगा, क्योंकि दो तीन दिन से दूध स्टोरेज हो गए थे, कितने तीन चार किलो कुछ दूध हो गया था, तो इसकी खीर बनाने का मुझे आइडिया है, तो क्यों ना खीर बनाई जाए। तो ये भी खीर बन रही है और यहाँ पर मेरा जो दूध है वो पीने का, वो गर्म और ठंडा हो रहा है, तो गर्म था ना एकदम गर्म गर्म मैं पीती नहीं हूँ। तो चिकू के भी नहा के निकल जाएंगे, तो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ। आज तो ब्रेड भी नहीं है, पर रात को पराठे बनाए थे वो हैं, तो पूछूँगी अगर पियेंगे तो दे दूँगी। और ये सारे मेरे लहंगे उधर पड़े हैं, इसको बेड के अंदर डालना है, तो बस अब ये तैयारी कर देते। और मेरी बेडशीट मैंने कितने दिनों से धोई थी, वो वॉशिंग मशीन में ही धुली हुई पड़ी हुई थी, फिर वापस अब डिटॉल डाल के मैंने उसको वापस से ड्राई किया है। जी अब सुखा देती हूँ इसको मैं। चादर तो मैंने यहाँ पर सुखा दी है और मैं जा रही हूँ अभी शॉप पर, क्योंकि शॉप पे आ गया है कुछ काम, तो एक बार काम निपटा के आ जाते हैं और फिर खाना वगैरह बनाऊंगी। चलिए, तो अभी जो हमारा शॉप पर काम था वो हो गया है कंप्लीट, अब वापस से घर जाते हैं और खाना वगैरह बनाएंगे, खाना खिलाएंगे इस छोटू से मोटू को। मोटू पीछे से मोटू दिख रहे हो बहुत। खाना वगैरह सब हो गया, फिर मैं गई थी डांस सीखने के लिए, क्योंकि हमारे घर में है शादी, तो कोरियोग्राफर भैया आ गए हैं, तो हम सब जनों ने मिलके सिखाया है अभी डांस, आधा सिखाया आधा बाकी। और अभी शॉप से कॉल आ गया है कि कस्टमर आए हैं, तो अभी जा रही हूँ शॉप पे और शॉल रख देती हूँ, तो पट्टा ही लेके जाती हूँ, गर्मी ज़्यादा लग रही है। शॉप पर आ गई थी और हेयर कट्स वगैरह थे तो वो सारे निपटाए, और अभी है ना मुझे बालों में थोड़ी सी ड्राइनेस फील हो रही है, तो मैं बालों में स्क्रबिंग करवा दूँ, तो उससे क्या है ना मेरे सारे बालों के जो भी क्यूटिकल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, तो अच्छे से बाल ग्रो भी करेंगे प्लस शाइन भी करेंगे। तो अभी ज्योति मेरी कर रही है हेयर में स्क्रबिंग, तो मैं यहाँ पर स्क्रब यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का, और इससे डैंड्रफ वगैरह कुछ भी होती है ना वो सारी रिमूव हो जाती है। बालों में हेयर स्क्रबिंग अच्छे से हो चुकी है और अब मैं बाल वगैरह वॉश करवा देती हूँ, और अभी तो मैं लॉरियल के ही शैम्पू से हेयर वॉश कराऊंगी, डिटॉक्सिफाइंग वाले ही शैम्पू ले लेना है ना, पीछे ही पड़ा हुआ है। अभी हेयर वॉश हुआ और मैंने देखा यार इतना यहाँ से पानी कहाँ से आ रहा है, इधर पूरा पानी आपको अगर दिख रहा होगा फ्लोर पर पूरा पानी फैल गया है, बहुत सारा फैल गया है नहीं, वहाँ से निकल रहा है पानी, क्या पता जा ही नहीं रहा है इधर से पानी। ये हेयर वॉश करते हैं उधर भी ऊपर आ गया पानी, उधर भी ऊपर आ गया, यहाँ से भी ऊपर आ गया पानी, कितनी देर से चल रहा था ये, अभी बाल धोए
वाइपर क्या वाइपर नहीं मिल रहा है? रुको वाइपर वहाँ कैसे पूरा बाहर निकल गया? अभी अब्बर हमने दी के बाल धुले वहाँ, देखो वहाँ से भी निकल रहा है पानी। यहाँ पे भी स्ट्रोक हो गया, हर जगह अंदर बाथरूम में क्या स्थिति? बाथरूम में तो पड़ी नहीं जगह से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है नहीं? इधर से ही क्या पता, इधर से आ रहा है इधर से आ रहा है। पैसे दे रहे हैं, ये जा रहे हैं भैया कुछ लेने जा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? सूखा एसिड, सूखा एसिड, ड्राई एसिड। ये सूखा एसिड आ चुका है, अब ये कैसे यानी ये काम क्या करता है? काम ये करता है इस लिक्विड में मिलेगा कि प्रेशर करने में। देखो चालू प्रेशर, इसमें देख दाने हैं, देख सिल्वर कलर सूखा भी लाया और वो भी लाया, वो भी लाया। तो इससे चले जाएगा फिर पीछे वन वो एक बोतल पूरी वो देखो 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 कचरा जल जाता है पूरा। कचरा खेता भी नहीं लेते हैं भैया, नहीं अंदर पचा ही भैया ने बोले ना। अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, बस जितना हो गया ज्यादा हो गया, एक बार पूरा चले जाएगा। ये पूरा गया 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 और खोदेगा, खोदना पड़ेगा गया गया गया। चालू अभी हम जा रहे हैं घर पर और सही है ना, चलो चलते प्रॉपर स्ट्रेट हो चुके हैं बाल कम्प्लीटली, बहुत ही ज़्यादा कर ली थे इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं आपके बाल? अच्छे लग रहे हैं ना? कैसा लग रहा है स्ट्रेट लुक इतना इतने हेवी कर्ल्स होने के बाद? बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत लाइट फील हो रहा है ना, और एकदम फेस की लुकिंग भी चेंज हो गई पूरी। इधर देखो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फ़ोन क्या सॉरी मेरा कैमरा हो गया डेड, तो अभी मैं फ़ोन से ही व्लॉग कर रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं घर पर और कैमरा बंद होने के कारण फ़ोन से ही शूट करना पड़ रहा है। मैं भी इससे पहले ना कैमरा लेके दुकान पे गई थी, वापस से घर पे आई इसके बाद वापस गई थी, तो मैंने फ़ोन से लिया है थोड़ा सा शूट, तो आपने देख लिया होगा। और मैंने उसमें बताया था यार मैंने कैसे प्रॉपर प्रेसिंग की है बालों की, मेरी किस्मत ही ख़राब है, अपने आप ही वो हो गया, बैटरी लो हो गई और कैमरा बंद हो गया और मेरी फाइल थी वो करप्ट हो गई। और अभी आज मेरे और चिकू के ही खाना है, तो चिकू बना देंगे मैगी और मैं जा रही हूँ अभी डांस सीखने के लिए, क्योंकि मेरा डांस है अभी तक ड्यू, तो आपको भी लेके चलूँगी, दिखाऊँगी कैसे डांस सीख रही हूँ मैं। सो गए, मैगी बनानी पड़ेगी करके सो जाओ, इतने आलसी आदमी एक दिन खाना बनाने के लिए बोलो तो ऐसे नाटक। सो गए। अच्छा जी मैगी मेरे हाथ की तुम बर्बादी नहीं है। चिकू मैगी बनाने पे बहुत आलस कर रहे थे, तो हम दोनों मिलके मैगी बना रहे हैं। आज तो मैगी बनने वाली है धमाकेदार और टेस्टी, उसके लिए आज हम फ्राइड मैगी बना रहे हैं। क्या असर आ रहा है मालकिन? देखो फिर मारूंगी होगा तो कहोगे तू मारती हो गई है, मारती हो गई। अच्छा तेल सरसों का तेल, छोटी बरनी, ये छोटी बरनी, ये सब तैयारी मैंने करके दे दी है, चिकू को सिर्फ फ्राई करनी है। कितना लो वही हो, एक पर ही और ले लो। हाँ पहले सेक ही जावा, कितना से फुल गरम करना है इसको, हो गया ना चिकू फिर वो तेला भी हो जाएगी, ऐसा भी होता है। फुल गरम बस बन रही है चक चक मैगी, फुल गरम इसको है ना, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए। और जीरा राई दोनों डाल, पहले जीरा दोनों साथ में, नहीं जीरा राई बगैर में डालते हैं, ठीक। हाँ डालो बस जीरा का निकालना पड़ेगा, जीरा दिए ना अंदर, बस चलो ठीक है जीरा इतना ही चला है, जीरे का पाउडर डाल देंगे और अच्छा टेस्ट आएगा। ये हो गया फर्स्ट, ये डालूंगा फिर डोंगरी डालूंगा ना। तू हाथ में कर, अरे रुको तेल वेल अच्छे से गरम हो रहा है, ठीक है काफी इसकी। हाँ
ज्यादा देर खाएगी उस दिन से तो खाएगी नहीं। एक खुद के लिए व्यवस्था कर रहे हो तुम भी कम नहीं। शेफ निपेश पंचाल के साथ बहुत ही टेस्टी मैगी बन रही है। मेरा हाथ लग गया इसमें। हाँ, अब तुमने ऐसा बोल दिया अच्छी नहीं बनी तो देख लेना। ले लाल होगी। हाँ, अब लहसुन डालो। आज इसके हिसाब से बन जाए। हाँ, बगैर वाली खावी है ना। अब लहसुन थोड़ा सा साथ में क्रंची हो जाए इतने में मसाला डाल देना। मम्मी आज दाल बना रहे थे क्योंकि धीरे धीरे तबड़वा जाए कमाज माते तरी पास ही जाती रहे चिकन भावे करने। तरी के बिना मजा नहीं। कैसा लग रहा है मेरे लिए इतना अच्छा खाना पका के? मैं मेरे लिए पका रहा हूँ। शादी से पहले तो बोलते थे तुम्हारे लिए पकाऊंगा। शादी से पहले की बात है। अब शादी से पहले तो अब शादी के बाद आ गए तो। क्यों आ गए? हाँ, डाल दो मसाला। ओके, 1 2 3 गो। मसाला अच्छे से पकाना है पर कम आँच पे, कुछ भी नहीं होगा। बस इसको अच्छे से वो कर दो। अच्छा, यूँ दबा दबा के? हाँ, वो तो मैं दबा रहा हूँ उसे। वो तो मैं सब करूँगा, तो टेंशन मत लो। कितनी सब्जियाँ बनाई हैं मेरे को पता है। हाँ, रोज रोज यही बनाते हैं सब्जियाँ। ये बना बना के भाग जाते हैं बस दुकान पर। अब टमाटर डाल दो। पक गया होगा भाई। एक मिनट सुनना है। अब पानी ये डालो। कितना डालो? बस फिर तो दो। क्या जायकेदार मैगी बनने वाली है आज। अब इस मसाले को मस्त पकने दो। मेरे को जरा खुशबू लेने दो। मस्त आ रही है कंडरी वाली खुशबू। हाँ, अब इस मसाले को मस्त पकने दो। एक एक फ्लेवर उभर के आएगा। फ्लेवर तुम आज मैसे सीखे हो? नहीं, अब मैं सीखे। अब मैं और इसमें अलग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये मगर वाला कंप्लीट सीखे पर इतना काटने के लिए तुम मेरे को ही कहोगे, मेरे को पता है। अलग बात होने दो इसको। होने दो ना, जब तक इसके ऊपर अच्छा तरी नहीं आ जाए थोड़ी। अब मेरा हाथ लग गया, अब तक आटा लग गया। अरे यार, अब मेरी गारंटी नहीं है अच्छी बने खराब बने। अब ये तो ना, मैंने पानी डाल दिया, बाकी क्या किया? हाथ तो लगे। हाँ, बगैर मेरे को टेस्ट कर दूंगा एक बार। बस चलाना मत मुझे, पास में से भी फूंक दे सकते, गर्म हो गया। नमक कम है। नमक तो होते, मैं अब डालूंगा ना, बाकी एक नंबर बनी। जीरे का पाउडर भी डाल दो थोड़ा सा। तीखी भी कम लग रही है चुकी। डालो मसाला। हाँ, मसाला डालो, तीखा खाऊंगा। अब मेरे को दे वो क्या, तेरे पानी डाल दिया तेरे हाथों से इसलिए तो। अच्छा अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, अगर टेस्टी खानी है तो इतने जतन करने पड़ेंगे। भाई कैमरा रख दे तू हाथ धो के। मसाला पक गया है, अब इसके अंदर पानी डाला जा रहा है तो फुल आंच पे। फिर इस पानी को थोड़ा उबाला जाएगा और फिर इसके अंदर डाली जाएगी मैगी। जायकेदार मैगी पास्ता। पास्ता भी है ना? हाँ, ये क्या आवाज होती है? बनाने वाले तो कंधे ही बोलते।
Bless you, bless you, bless you, bless you. ये हमारी मैगी बन के तैयार हो गई है। क्या जोरदार टेस्टी लग रही है। कलर में भी टेस्टी है। नहीं, कलर में भी जबरदस्त है। अब से ऐसे ही बनाएंगे। तो चिकू की मेहनत थोड़ी बहुत और मेरी मेहनत पूरी है। नहीं नहीं, चिकू की पूरी मेहनत है, मेरी थोड़ी बहुत है। मैंने थोड़ी हेल्प की थी और बहुत टेस्टी बनाई है चिकू ने मैगी। बराबर है ना, बराबर की भागीदारी। मैगी खा ली है, बहुत ज़्यादा तीखी बन गई थी पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। प्लेट की हालत दिखा देती हूँ, इतनी टेस्टी बनी थी। ये नकार। तो चलो, यहाँ तक देखने के बाद अगर ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, अभी मैं जा रही हूँ डांस सीखने के लिए, तो डांस वगैरह सीख के आती हूँ। और बस लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। और हाँ, कल के ब्लॉग में बताती हूँ।